मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से कर्मों के विशेष आश्रव और बंध किन भावों से होते हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लगभग सभी कर्मों का वर्णन हुआ है और अभी तीर्थंकर नाम कर्म का जो वर्णन चल रहा था उसी में आगे बढ़ाते हुए जो भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के लिए कारण हैं उनको 16 कारण भावनाओं के नाम से कहा गया और उनमें से कुछ भावनाओं का वर्णन हो चुका है। आगे कहा जाता है, एक भावना आती है साधु समाधि भावना। जो साधु हैं, तपस्वी हैं और वह जो अपनी ध्यान ज्ञान की साधना में निरंतर रत रहते हैं, उनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कोई विघ्न आता है उस ज्ञान ध्यान की साधना में, तो उसे दूर करके उन्हें अपनी ही उस समाधि में स्थित करा देना, इसका नाम साधु समाधि भावना कहलाती है। समाधि का मतलब संलेखना नहीं है यहाँ पर, समाधि का मतलब है ध्यान की एकाग्रता, जिसके माध्यम से साधु का निर्विघ्न रूप से अपनी आत्मा में मन लगता है, निरतिचार रूप से वो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करता है और जिसके कारण से वह अपनी आत्मा का भी अभेद रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा का ध्यान कर सके, ऐसे उस समाधि के प्रति किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर उसे उसमें धारण कर देना, इसको समाधु समाधि या समाधि का संधारण भी कहा जाता है। तो वही यहाँ पर भावना के रूप में है कि भावना करने वाला व्यक्ति तो कोई और होगा और जिसके लिए कोई विघ्न आ रहा है वो साधु कोई और होगा। तो जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसी भावना करे, अगर किसी भी साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यवधान देखे और उनकी किसी भी तरह से उस व्यवधान को दूर करने की कोशिश कर सके, तो जिस समय वो कर रहा होगा वही उसके लिए साधु समाधि की भावना कहलाएगी। क्योंकि जिस समय पर ऐसी परिस्थिति बनेगी तभी उस समय पर जो व्यक्ति उस विघ्न को दूर करने में तत्पर होगा उसी के लिए यह साधु समाधि नाम की भावना बनेगी। अन्यथा अन्य समयों पर इतना हो सकता है कि किसी भी साधु के लिए कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में विघ्न ना आए, इस तरह की भावना करते रहना और इस तरह की भावना के माध्यम से जब भी कभी कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो तो उस प्रसंग में भी हमेशा तत्पर रहना, इस प्रकार की भावना को यहाँ साधु समाधि भावना में लिया जाता है। इसी के साथ एक और भावना आ जाती है वैयावृत्तिकरण, ये एक अलग भावना है। वैयावृत्ति करने का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि किसी के लिए कोई रोग आए हैं, कोई किसी के लिए किसी भी तरह का कोई
मौसम का या किसी भी तरह का कोई भोजन पानी का कोई भी तरह का कोई कष्ट आया है, उस कष्ट को दूर करना, और उसको दूर करके उनकी सेवा करके उन्हें बिल्कुल निश्चिंत बनाने की कोशिश करना, इसका नाम है वैयावृत्ति करना। तो साधु समाधि में और वैयावृत्ति में थोड़ा अंतर है। वह अंतर इस रूप में समझ सकते हैं कि साधु समाधि तो भावना तब होगी जब कोई कष्ट अचानक आया और हमने उसको तुरंत दूर कर दिया, तो ये तो साधु समाधि भावना में आ जाएगा। किंतु अगर किसी के लिए कोई विघ्न लंबे समय तक उपस्थित है या कोई रोग आदि है और उसकी हम निरंतर सेवा कर रहे हैं लंबे समय तक, तो ये कहलाएगा वैयावृत्ति करना, सेवा करना, वैयावृत्ति करके उनके कष्ट को दूर करना। आपकी वैयावृत्ति से वो कष्ट दूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक जो वैयावृत्ति की जा रही है वो वैयावृत्ति करण ये भावना में आएगा। और ये साधु समाधि जो है, जिस समय पर कोई विघ्न आया उसी समय पर उसको दूर कर दिया, उसी समय के लिए हुआ, ये साधु समाधि भावना हो गई, है ना। ऐसा इसमें अंतर जाना जा सकता है। जैसे मान लो विष्णु कुमार मुनि ने, है ना, उपसर्ग दूर किया, तो क्या किया उन्होंने? वैयावृत्ति नहीं की। जो साधुओं के लिए समाधि माने उनके चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए थी, उसमें कोई व्यवधान आया देख करके उपसर्ग के समय पर उसे दूर करना, ये हो गया साधु समाधि भावना। फिर बाद में जो उनके लिए कष्ट हो गया, कोई कहीं जख्म हो गया, कहीं कोई पीड़ा हो गई, उसको लंबे समय तक दूर करने के लिए जो सेवा करना, वो कहलाएगी वैयावृत्ति भावना। ऐसा समझा समझा जा सकता है। जिसमें हमें अधिक समय लगे वो होती है वैयावृत्ति, और जो तुरंत उसी समय पर दूर कर दी जाए व्याधि को या किसी भी तरह की विघ्न को, तो वो कहलाता है साधु समाधि। ऐसा अंतर जाना जा सकता है, दोनों के बीच में एक अंतर ये सूक्ष्म रूप से ऐसा समझ में आता है। तो आचार्य कहते हैं कि वैयावृत्ति के माध्यम से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, जैसा कि श्री कृष्ण के बारे में सुना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि एक साधु महाराज के लिए किसी भी तरह की उनको व्याधि देख करके उन्हें बताए बिना ही, और उन्होंने जो है किसी वैद्य से उस रोग के बारे में जान लिया और उस रोग की औषधि भी वैद्य से जान ली, और उनको बिना बताए हुए ही और बिना पता पड़े हुए ही उन्होंने वह औषधि उनके लिए किसी ना किसी तरीके से प्रदान कर दी, तो उस औषधि के सेवन से उनका जो रोग दूर हुआ उसी के कारण से उनके लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। तो यह जो श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है वो वैयावृत्ति है, जो लंबे समय तक सेवा करने पर, औषधि आदि प्रदान करने पर, जो हमारे लिए वैयावृत्ति के माध्यम से विघ्न को दूर करना होता है, ये वाली वैयावृत्ति करण नाम की भावना कहलाती है। तो ये दोनों ही भावनाएं साधु के ऊपर आए हुए विघ्न से ही रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर जो है वो इस तरह से समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद में एक प्रकरण प्रारंभ होता है भक्ति का। किसका? भक्ति। भक्ति वस्तुतः कहलाती है गुणों में अनुराग रखना, इसका नाम क्या है? भक्ति कहलाती है। और वो भी बहुत विशुद्धि के साथ, यानी बड़े प्रसन्न मन से, भाव विशुद्धि से, जो दूसरों के गुणों में हमारा स्नेह होता है, अनुराग होता है, उसको वस्तुतः भक्ति कहा जाता है। तो वो भक्ति भी जो है हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। भक्ति करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, मतलब भक्ति भी आपके लिए मुक्ति का कारण है। तो देखो यहीं से सिद्ध होता है कि भक्ति भी मुक्ति का कारण है। भक्ति करने से केवल राग होता है, राग से तो कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से संसार होता है, ऐसा जो लोग एकांततः बोलते हैं,
वो सही नहीं बोलते, ये इन सूत्रों से ही स्पष्ट होता है। एक कोई प्रश्न कर रहे थे कि आचार्य सुमंतभद्र महाराज को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, अगर बंध हुआ तो किससे हुआ, क्यों हुआ? तो उनका सबसे बड़ा अरहत भक्ति का भाव है और एक इसी में आती है प्रवचन भक्ति। ये दो भक्तियाँ उनके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। उनके ग्रंथों के माध्यम से समझ में आता है कि उन्होंने जो भी ग्रंथों की रचना की वो अलग से कम लिखे ग्रंथ, उन्होंने सभी ग्रंथ भक्ति रूप में लिखे, भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य बनाया और फिर उसी में मत मतांतरों का खंडन करने के लिए उन्होंने उसमें हेतु तर्क आदि का सहारा लिया और अपनी स्यादवाद जो पद्धति है उसको भी भगवान के गुणों में समावेश करके उसका व्याख्यान किया। तो आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने ये भक्ति में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई है और उनके जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं सभी भक्ति परक ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक ग्रंथ छोड़ करके जिसे हम रत्नकरंडक श्रावकाचार कह सकते हैं। बाकी का आप्तमीमांसा है, युक्ति अनुशासन है ना, स्वयंभू स्तोत्र है, ये सभी ग्रंथ, एक स्तुति विद्या है, सभी भगवान की भक्ति परक ग्रंथ हैं और बहुत अच्छी अच्छी भक्तियाँ हैं। इसी के कारण से उन्हें इस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की भक्ति से, प्रवचन के प्रति भक्ति से उन्होंने इस तरह के शुभ कर्म का बंध किया है। तो ये भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं होती, ये बड़ा सीधा सरल उपाय है। भक्ति से भी मुक्ति बहुत से महापुरुषों को प्राप्त हुई है, ये आप पुराणों से अच्छे ढंग से समझ सकते हो। इसलिए भक्ति को अच्छे ढंग से करना, भाव शुद्धि पूर्वक करना, अपनी मन वचन काय की निश्चलता के साथ करना, ये भक्ति हमारे लिए बहुत गुणकारी है। तो अरिहंत भगवान की भक्ति करने को कहा, दूसरा कहा आचार्य भक्ति। कौन सी भक्ति? हाँ, जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके गुणों में अनुराग रखते हुए उनके प्रति भक्ति रखना भी हमारे लिए मुक्ति का कारण है, है ना? आचार्य होते हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, ऐसे इन पंच आचारों का पालन करते हैं, स्वयं भी करते हैं, अपने शिष्यों को भी कराते हैं और हर तरीके से समाज के लिए, धर्म के लिए, वृद्धि के लिए हमेशा सोचते हैं और उनके माध्यम से जो धर्म की प्रभावना होती है वो उनके अपने बहुत बड़े ज्ञान और उनकी अपनी तपस्या के माध्यम से होती है। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी के प्रति अपने अनुराग को बनाए रखना, उनसे उनके प्रति हमेशा गुणों में उनके प्रति स्नेह भाव रखना, यह भी आचार्य भक्ति में आता है। अथवा जो शिष्य वगैरह होते हैं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो गुरु की भक्ति करते हैं वो भी आचार्य भक्ति में आती है। तो प्रत्यक्ष में उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना ये भी भक्ति में आता है। कोई भी तरह से वो गमन आदि कर रहे हैं तो उस गमन में भी उनके पीछे पीछे चलना, उनकी विनय के साथ में रहना, उनकी बात को मानना, उनको बहुमान देना, उनका आदर करना, उनकी बात का ही समर्थन करना, ये अपने आप में आचार्यों की भक्ति कहलाती है। तो इस तरह से जो ये भक्ति की जाती है ये सभी भक्ति हमारी कर्म निर्जरा के लिए भी कारण होती है और पुण्य बंध के लिए भी कारण होती है। फिर इसके बाद में लिखा है बहुश्रुत भक्ति। किसकी? हाँ, बहुश्रुत माने जिनके पास में बहुत श्रुत ज्ञान है उनकी भक्ति करने को भी यहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म के शुभ बंध का कारण कहा है। जिनके पास में सिद्धांत का, अध्यात्म का, करणानुयोग का, जो कठिन भी विषय होते हैं जिसका भी उन्हें जिनको ज्ञान रहता है, षटखंडागम आदि सूत्र हैं, उनकी व्याख्याएं पढ़ना पढ़ाना जिनके लिए संभव हो, सरल हो और जिनकी स्मृति में ये सब चीज़ें रह जाती हों, वो बहुश्रुत कहलाते हैं। उस बहुश्रुत की जो साधु हैं उनकी भक्ति करने से भी इस तरह से शुभ कर्म का बंध होता है, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा और हमें भी उसी तरह के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो तभी होगी जब हम इस तरह की भक्ति में अपने आप को लीन रखेंगे। तो यह भक्ति भी हमारे लिए उपयोगी है। फिर कहा जा रहा है प्रवचन भक्ति। कौन सी भक्ति? हाँ, यहाँ प्रवचन भक्ति का मतलब है कि जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है उसका नाम है प्रवचन।
जिसे हम शास्त्र कहते हैं, श्रुत कहते हैं। तो यहाँ एक तरीके से श्रुत भक्ति है ये, जिनवाणी की भक्ति, कि देखो जिनवाणी में किस तरह से तत्व की प्ररूपणा की गई, किस तरह से हमें लोक अलोक का विज्ञान बताया गया, किस तरह से हमें संसार से मुक्ति का सही मार्ग बताया गया। ऐसी जिनवाणी के गुणों का स्मरण करके जिनवाणी के प्रति अनुराग बढ़ाना, ये जिनवाणी की प्रवचन की भक्ति कहलाती है, है ना। अब ये तो बहुत आराम से किया जा सकता है, अगर हम जितना गुणों का चिंतन करेंगे उतने ही हमारे मन में भी विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे मन में गुणों का चिंतन आएगा तो हमारा मन उन गुणों की ओर आकर्षित होगा, तो हमारे मन में जो क्लेश हैं वो दूर होंगे, अपने आप हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ेगी, हमारा मन पवित्र होएगा। तो गुणों का इस तरह से चिंतन करना कि हमें लगे कि इससे बढ़कर के कोई भी चीज़ संसार में नहीं है, हमारे लिए आज ये चीज़ बड़ी सुलभता से मिली है, इसलिए हमें इनका अनादर नहीं करना है, आदर करना है, क्योंकि जो चीज़ सुलभता से मिली होती है उसका बहुमान कम होता है ना। वो तो हम जानते ही हैं, वो तो हम करते ही हैं, है ना, वो तो हमें पता ही है, इस तरीके की जो फीलिंग आती है ये हमारे बहुमान को कम कर देती है। तो अपने अंदर ऐसी भावना ला करके, अरे ये बहुत दुर्लभ है, इसके बारे में चिंतन करना कि देखो इतना तत्व ज्ञान हमें जिनवाणी से आज मिलता है, ये हमें ही मिल रहा है, और किसी को दुनिया में मिलने का सौभाग्य नहीं है, भले ही सबके पास बुद्धि है, मन है, लेकिन सबको नहीं मिलता। इस तरह के विचार से कि देखो तत्व ज्ञान में सारे के सारे मोक्ष तक का तत्व हमें जीव के माध्यम से बताया गया, इतना हमारी आत्मा के कल्याण का ये रास्ता बताया गया, ये सब अपने मन में चिंतन ला करके जो हम जिनवाणी के प्रति भक्ति बढ़ाएंगे, ये भक्ति हमारे हृदय को क्या करेगी, हैं, पवित्र करेगी, है ना। इसीलिए ये भक्ति की जाती है। फिर एक भावना बताई जा रही है, आवश्यका परिहानिर, क्या नाम है, आवश्यकों में परिहानि नहीं करना, यानी जो आवश्यक होते हैं विशेष रूप से जो नियम ले लेते हैं व्रतों के, उनके लिए, है ना, समता, प्रतिक्रमण, वंदना इत्यादि, ये छह आवश्यक तो साधु के होते हैं, और श्रावक के लिए भी जो 12 व्रत ले लेते हैं या कोई अपने नियम ले लेते हैं या षट आवश्यकों के पालन करने में जो श्रावक तत्पर रहते हैं, उन्हें यथा समय पर करना, उन आवश्यकों में समय की ढील नहीं देना, ये जो है आवश्यकों में परिहानि नहीं करना ही ये बताता है कि हमारे लिए अपना मन हमारी रत्नत्रय की आराधना में लगता है और हर समय पर हम उसी में लीन रहते हैं, क्योंकि जो भी आवश्यक होते हैं वो हमारी आत्मशुद्धि के लिए ही होते हैं, है ना। छह आवश्यकों में साधु के साथ में समता, जो सभी जानते ही हैं, मतलब हर समय पर लाभ में, अलाभ में, योग में, वियोग में, रोग में, निरोग में समभाव रखना, संध्या समय पर देव वंदना आदि क्रिया करना, ये भी समता में ही आ जाता है ना। जो चतुर्विंशति तीर्थंकरों का स्तवन, ये स्तुति कहलाती है, ये स्तव नाम का आवश्यक कहलाता है, और वंदना में एक तीर्थंकर भगवान की विशेष रूप से स्तुति करना, ये वंदना कहलाती है ना। इसके अलावा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, जो आगामी दोष हैं उनका निराकरण करना, ये प्रत्याख्यान है, और जो पिछले दोष लग गए हैं उनको तत्काल अपने हा दुट्ठ कयम, हा दुट्ठ चिंतियम, हा भाष्यम, हे भगवान मैंने बहुत बुरा सोच लिया, बुरा कर लिया, बुरा कह दिया, इस तरह से जो अपनी आत्मनिंदा की जाती है ये उसी समय पर दोषों का प्रक्षालन कर देती है। तो ये प्रतिक्रमण होता है जो पूर्व में किए गए पापों के प्रक्षालन के लिए होता है, समझ में आ रहा। और फिर एक कायोत्सर्ग है जो समय समय पर किया जाता है, वंदना आदि क्रियाओं में भी किया जाता है, अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं को करने के उपरांत भी कायोत्सर्ग आदि करके उन दोषों का निवारण किया जाता है। तो इस तरह से ये छह आवश्यकों को यथा समय पर करते रहना, ये आवश्यकों की अपरिहानि कहलाती है। फिर कहते हैं मार्ग प्रभावना, जो मार्ग है, कौन सा मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मार्ग है,
इस मार्ग की प्रभावना होना। प्रभावना का मतलब होता है कि इस मार्ग के प्रति दूसरे लोगों में जो अज्ञान पड़ा हुआ है उस अज्ञान को दूर करने का नाम ही प्रभावना है, है ना। किसी भी तरीके से वो जो सामने वाले के अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है ना, जैन धर्म को लेकर के, जैनिज्म के सिद्धांतों को लेकर के, जैनिज्म में जो मुनियों की या साधुओं की चर्या है उसको लेकर के, तरह तरह की जो अज्ञानताएं लोगों में पड़ी हैं और उसके कारण से वो जो कुतर्क करते हैं उसको दूर करना, उसका सही समाधान करना, लोगों के लिए सम्यक ज्ञान उनके दिमाग तक पहुँचाना, ये वस्तुतः प्रभावना कहलाती है। तो ये प्रभावना कई कारणों से होती है, ज्ञान के माध्यम से भी प्रभावना होती है। सबसे बड़ा कारण ज्ञान का बताया कि आप ज्ञान के माध्यम से दूसरों के अज्ञान को दूर करें, है ना, ये प्रभावना का कारण है। तप के माध्यम से भी प्रभावना होती है, अगर आप समीचीन रूप से समर्थ हैं तो समीचीन तप करके दूसरे के अंदर ये भाव, एक आश्चर्यचकित जो भाव पैदा होता है कि ये कितना बड़ा बड़ा तप कर लेते हैं और इस प्रकार के तप कर करके भी ये जो है अपने ही ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, कभी भी जो है दुखी नहीं होते हैं, तो तप के माध्यम से भी प्रभावना होती है। और वो भी ना बने तो भगवान जिनेन्द्र देव की जो पूजा है, है ना, बड़ी पूजा है, विधान जिसको बोलते हैं, महोत्सव हैं किसी भी तरीके के, जिन्हें आप लोग अपनी भाषा में उछाव बोलते हैं, है ना, उछा, उछा का मतलब है उत्सव, ही से उछा, उछा शब्द बना है, है ना, उत्सव जो होता है उसी को उछा बोला जाता है। तो जो रथ यात्रा वगैरह हैं, किसी भी तरीके से जिसके माध्यम से जो लोग जैन धर्म से परिचित नहीं हैं वो भी उससे कुछ ना कुछ सीखें, जानें और भगवान के दर्शन कर सकें या उस कार्य में शामिल होकर के भी वो कुछ पुण्य लाभ ले सकें, इस तरह के कार्य करने से जो धर्म प्रभावना होती है उसी को मार्ग प्रभावना कहा जाता है, है ना। क्योंकि मार्ग क्या है तो यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वही मोक्ष मार्ग है। तो यही सम्यक दर्शन की प्रभावना करो या सम्यक ज्ञान की करो या सम्यक चारित्र की करो, तीनों की अलग अलग करोगे तो बाह्य प्रभावना कहलाएगी, वो भी मार्ग प्रभावना है, और ये व्यवहार रूप से प्रभावना हो जाती है। और जो इन तीनों की एकाग्रता के साथ में आत्म ध्यान करता है उसके लिए वो निश्चय रूप प्रभावना भी होती है, जिसे आत्म प्रभावना कहा जाता है। इसके आगे एक अंतिम और चीज बताई जा रही है, प्रवचन वत्सलत्वम, है ना, ये अंतिम भावना है तीर्थंकर प्रकृति के लिए। यहां पर प्रवचन का मतलब है जो भगवान के प्रवचन हैं उनको भी जो धारण करता है उसको भी प्रवचन कहा जाता है। क्या कहा? जो प्रवचन थे ऊपर लिखा था प्रवचन भक्ति, तो जो प्रवचन माने जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन, और उन प्रवचनों पर जो श्रद्धा करता है या उस प्रवचन को जो स्वीकार करता है, आत्म रूप से आत्मसात करता है, उसे धारण करता है, उसको भी प्रवचन की उपाधि दी जाती है। ये भी प्रवचन है, यानी कि यह भी हमारा सहधर्मी है। तो ऐसे इन 16 भावनाओं का यथासंभव अब हर भव्य जीव को इसका उपयोग करना चाहिए, ये खुला हुआ मार्ग है सबके हित के लिए। सब तीर्थंकर बने, सब भगवान बने, है ना, ये मार्ग खोल करके रखा है, कोई इसमें बंदे से नहीं है। चौथे गुण स्थान से तो शुरू हो ही जाता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद, तो घर बैठे भी भगवान के लिए भक्ति करते हुए या कोई भी भावनाओं में से अपनी भावनाओं को अपनाते हुए आप अपनी चित्त की विशुद्धि बना सकते हैं। तो ये हो गया नाम कर्म संबंधी, और उसमें भी विशेष जो तीर्थंकर नाम कर्म था उसके बंद का आश्रव के कारण बता दिए। अब थोड़ा सा और प्रकरण बचता है, गोत्र कर्म का प्रकरण आता है, है ना। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, ये नीच गोत्र के आश्रव के यहां कारण बताए जा रहे हैं, है ना। तो नीच गोत्र मतलब जिसको हम कह सकते हैं लो फैमिली स्टेटस, है ना, जहां पर जो है एक तरह से धर्म कर्म को कोई प्रधानता नहीं रहती, सदाचरण की कोई प्रधानता नहीं रहती, हम उसी को जो है नीच गोत्र कहेंगे। या ऐसे कुल में जन्म होना जहाँ पर कि वह जीव
आत्मकल्याण के लिए व्रतों को धारण ही ना कर सके या महाव्रती न बन सके, इस तरह के जो कुलों में उत्पत्ति होती है वह भी इसी में आ जाता है। तो ये क्यों होती है? परात्म निंदा प्रशंसे, यानी पर की निंदा और आत्म प्रशंसा, ये दो चीजें, दूसरे की है ना निंदा करना, बुराई करना, और स्वयं की प्रशंसा करना। किस विषय में करना? तो आचार्य कहते हैं सद असद गुणोच्छादनोद भावने च, है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग भी हैं कि एक तो सत्गुण होते हैं, एक असत गुण होते हैं। सत का मतलब होता है जो गुण है, वास्तव में है, प्रेजेंट हैं, उनको बोलेंगे सत, विद्यमान है, या जो वास्तव में प्रशंसनीय हैं ऐसे गुण, और असत जो है ही नहीं है। तो सद्गुणों का तो उच्छादन करना, उच्छादन माने ढांक देना, उनको तो बताना ही नहीं, उनके बारे में तो कोई चर्चा करना ही नहीं, और असद्गुणों की उद्भावना करना, जो नहीं है ऐसे दूसरों के अंदर की बुराइयां, असत जो भाव हैं उसको ला करके सामने रख देना। तो इस तरह की भावना अगर दूसरों के साथ है तो अपने लिए उससे विपरीत होती है। अपने अंदर जो गुण नहीं है उन्हें हम प्रकट करेंगे, और जो गुण अपने अंदर हैं उन्हें हम अगर प्रकट करते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माने सत्गुण हो चाहे असद्गुण हो, सत दोष हो चाहे असत दोष हो, दूसरे के अगर आप सत असत किसी भी तरह के दोष, भले ही दोष हैं तो भी अगर आप दूसरों के दोषों की बताते हैं, निंदा करते हैं, तो भी वह इसी में आ जाता है ना, बुराई करने में आ जाता है। और अपने गुण अपने अंदर नहीं है फिर भी उसका बखान किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? कि हम अपना बखान करेंगे तो दूसरे की निंदा अपने आप हो ही जाएगी, दूसरे की जो एक स्टेटस बना हुआ उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह से जो भावना रख करके जो किया जाता है यह अपने आप में एक तरह से नीच गोत्र के आश्रव का कारण बन जाता है। तो उच्च गोत्र के आश्रव के लिए इसी के विपरीत भाव बन जाता है। तद विपरीतम नीचैर्वृत्त्यनुत्सेको, तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य, है ना, क्या कहा जा रहा है? विपरीत का मतलब विपर्यय, जो विपर्यय है उसी को ही विपरीत बोलते हैं, उसके विपरीत यानी जो भाव बताया है उसी के विपरीत, यानी कि आत्मा की तो अपनी तो निंदा करना और दूसरे की प्रशंसा करना, इसी तरीके से अपने अंदर चाहे गुण हैं या नहीं हैं उनको तो ढकना, और दूसरे के अंदर चाहे गुण हो या नहीं हो उन्हें प्रकाशित करना, ये जो है किसके लिए कारण है? उच्च गोत्र के लिए कारण हो जाता है। और फिर आगे बताते हैं नीचैर्वृत्ति और एक अनुत्सेक, है ये दो चीज़ें और हैं। नीचैर्वृत्ति का मतलब होता है निम्न वृत्ति, निम्न का मतलब ये होता है कि अपने सामने अगर अपने से पूज्य जन होते हैं, बड़े गुणवान व्यक्ति होते हैं, तो उनके प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रहना। क्या नीच वृत्ति का मतलब? नीच वृत्ति नहीं है, नम्र वृत्ति है ना, जिसे बोलते हैं जब नम्रता होती है तो हमारे मतलब सभी क्रियाओं में या हमारे हाथ पैरों में हमारी दृष्टि में हमेशा एक नम्रता का भाव आ जाता है ना, तो उसी नम्रता को यहाँ पर नीचेर वृत्ति के माध्यम से कहा गया है। तो ये भी जो है क्या है? उच्च गोत्र के आश्रव का कारण बनता है, क्योंकि हम इसमें दूसरे के गुणों का आदर करते हैं, दूसरों का बहुमान करते हैं, तो इसके माध्यम से भी ऐसा शुभ भाव आता है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं छठे अध्याय का चिंतन प्रतिदिन सबको करना चाहिए ताकि हमारे भाव शुद्ध बने रहें, है ना, हमारी बुद्धि ठिकाने पर बनी रहे, इसलिए यह अध्याय हमारे लिए अच्छा छठा हुआ अध्याय है, और इससे हम अपने भावों को अशुद्ध बनाएं शुभ बनाएं। इस तरह की मंगल भावनाओं के साथ महावीर भगवान की। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी
जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव झुणिम जो पड़ई सुणई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। ओम अरहम नमः। श्री दत्तवासु जी के अध्याय 6 की आज का सवाल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अरहम टीम आपके पुण्य की अनुमोदना करती है कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि की और स्वाध्याय को चुनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भी ज़्यादा लोगों को इस प्रतियोगिता से जोड़ेंगे। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर की तरह निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर्स। कक्षा 1 के विजेता हैं शारदा जैन गाजियाबाद, ऋतु जैन रोहतक, मैना जैन छाबड़ा मुंबई। कक्षा 2 के विजेता हैं मीना जैन लातूर, रजनी जैन गाजियाबाद, निशा जैन मंदसौर। कक्षा 3 के विजेता हैं अलका जैन दिल्ली, संदीप जैन जबलपुर, कीर्ति हेमंत जैन नागपुर। कक्षा 4 के विजेता हैं दिनेश चंद जैन अलवर राजस्थान, अश्विनी जीवन कुमार जैन औरंगाबाद, अनीता जैन न्यू दिल्ली। कक्षा 5 के विजेता हैं रेखा जैन दिल्ली, बीना जैन मुरादाबाद, निकिता जैन झालरा पाटन। कक्षा 6 के विजेता हैं शिल्पी सुमित जैन दिल्ली, अर्चना जैन पुणे, शुभदा जोगी मुंबई। कक्षा 7 के विजेता हैं मोना शाह नाशिक, राखी जैन सिरसागंज, रेखा जैन सहारनपुर। कक्षा 8 के विजेता हैं सुलोचना जैन भिंडर, उषा जैन मुरैना, रीना जैन ग्रेटर नोएडा। कक्षा 9 के विजेता हैं चारू जैन दिल्ली, शालू जैन रोहिणी दिल्ली, अरुणा जैन इंदौर। कक्षा 10 के विजेता हैं अनीता जैन कोसी, शालिनी जैन फरीदाबाद, मनीषा जैन नरसिंहपुर। कक्षा 11 के विजेता हैं स्वाति साहू जी औरंगाबाद, सुनीता नेमीनाथ हेलागी बेलगावी, सरला मुधोलकर नासिक। कक्षा 12 के विजेता हैं पूनम जैन सिखोहाबाद, रंजना जैन बड़वाह, पूनम जैन फिरोजाबाद। कक्षा 13 के विजेता हैं माला जैन भोपाल, सुनीता जैन जयपुर, इंदु जैन दिल्ली। कक्षा 14 के विजेता हैं श्रीमती गुणमाला जैन भोपाल मध्य प्रदेश, मंजली जैन करंजलार, सविता अग्रवाल दिल्ली। कक्षा 15 के विजेता हैं रजनी प्रदीप पेलोकर अकोला महाराष्ट्र, अनु जैन टीकमगढ़, मंजू जैन आगरा। कक्षा 16 के विजेता हैं मोनिका जैन गाजियाबाद, संगीता जैन भोपाल, डॉक्टर मुकेश जैन सिरोंज। कक्षा 17 के विजेता हैं सुनीता जैन भोपाल, प्रीति जैन मीरा रोड थाने, मंगल बड़जातिया औरंगाबाद। कक्षा 18 के विजेता हैं रेखा जैन ग्रेटर नोएडा, निशा जैन नोहटौर, धर्मवीर लखनऊ। कक्षा 19 के विजेता हैं सुभाष जैन गाजियाबाद, विपुल कुमार जैन कल्याण, रीना जैन गाजियाबाद। कक्षा 20 के विजेता हैं दिलीप कुमार सेठी जबलपुर, अलका अजित कुमार जैन पारोला, मंजू जैन अलवर। कक्षा 21 के विजेता हैं निर्मला जैन कोटा, मंजू जैन मुंबई, चेतना मित्तल कोटा। कक्षा 22 के विजेता हैं निधि जैन कोटा, रतनलाल जैन जोधपुर, नीतू जैन न्यू दिल्ली।
कक्षा 23 के विजेता हैं नेहा जैन भिंडर, विपला जैन गाजियाबाद, सीमा जैन गाजियाबाद। कक्षा 24 के विजेता हैं मधु जैन चंडीगढ़, राजीव रानी जैन मोरैना, वीना जैन जयपुर। कक्षा 25 के विजेता हैं राजश्री शाह बारामती, अनीता जैन भोपाल, सुमन जैन महरौनी। कक्षा 26 के विजेता हैं प्रेमवती जैन दिल्ली, डॉक्टर उषा जैन इंदौर, कल्पना जैन जबेरा। कक्षा 27 के विजेता हैं शेजल शाह तलौड़, दिलीप शाह मीरा रोड, सुषमा जैन दिल्ली। कक्षा 28 के विजेता हैं अमित जैन रांची, मंजू जैन मेरठ, कल्पना हडाले पुणे। कक्षा 29 के विजेता हैं साधना जैन भोपाल, मनोज कुमार कोले सांगली, युग जैन सूरत, प्रियंका प्रशांत शाह पुणे, महिमा जैन दिल्ली, मोनिका जैन दिल्ली। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आप सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना भाते हैं कि आप इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें।